नेशनल हाईवे नंबर 8 के अंदर आता है ये हाईवे। ये हाईवे है अहमदाबाद से मुंबई की ओर जाने वाला, जहां पर वापिस स्थित दमनगंगा ब्रिज आया है और वहां पर जो है गड्ढे गिरे हैं, सलिए दिख रहे हैं, इस प्रकार की तस्वीर सामने आई है। कई दिनों से है लेकिन आज कुंभकर्ण की निंद्रा से नेशनल हाईवे अथॉरिटी जागा है और उसके चलते लोग परेशान हो गए हैं। कई किलोमीटर तक अहमदाबाद से मुंबई की ओर जाने वाला हाईवे जाम हो गया है। लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अभी कई सारे GIDC में से वापी और आसपास के इलाके से लोगों की छुट्टी होती है, घर पर जाना रहता है और ये हाईवे जो है अहमदाबाद से मुंबई की ओर अति व्यस्त हाईवे है। लेकिन बेखो बिंदास नेशनल हाईवे अथॉरिटी बेखो बिंदास है, कुंभकर्णी की निंद्रा से जागा है क्योंकि अभी रिपेयर करने के लिए निकला है, इस प्रकार की खबर सामने आई है और वो रिपेयर करने की कोशिश में लोगों की ज़िंदगी के साथ देखिए कितनी परेशानी सामने आ रही है क्योंकि ये लंबा जाम हुआ है। लंबे से लंबा कई किलोमीटर तक अहमदाबाद से मुंबई की ओर जाने वाला ये हाईवे हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं सिर्फ जनता आवाज भारत पर के किस प्रकार की परिस्थिति है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो जागी है नींद से और ऐसे तो कितने सारे गड्ढे सड़क पर गिरे हुए हैं वो इनके ही विभाग के अंदर, लेकिन बिंदास बेखौफ है। हम कल एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे कि इनका पेट का पानी नहीं हिलता है, जाड़ी चमड़ी के है ये अधिकारी नेशनल हाईवे नंबर अथॉरिटी के। वो न्यूज़ हम कल बताएंगे आपको कि किस प्रकार की परिस्थिति है। बेखौफ, किसी से डर नहीं, वो खबर हम कल बताएंगे। लेकिन अभी की ब्रेकिंग खबर इस प्रकार की है कि नेशनल हाईवे नंबर जो 48 है, जहां पर अहमदाबाद से मुंबई की ओर जो हाईवे जाता है, दमनगंगा ब्रिज आया है, वहां गड्ढे गिरे थे, उसके वजह से यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो पहुंची है और रिपेयर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें भी लोग परेशान हो गए हैं। कई किलोमीटर तक जो है लंबा जाम हो गया है। पुलिस को खबर चलते ही यहाँ पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुँची है। इनको यहाँ काम करना था तो पुलिस को इत्तला क्यों नहीं किया, तो ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक तरह से होती थी। लेकिन बिंदास बेखौफ है, हमें कोई बोलने वाला नहीं है, इस प्रकार की मानसिकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज़ भारत।